श्री राम। रउआ हमरा के बोलेनी महारानी। हाँ भैरवी, ई नया वस्त्र अशोक वाटिका ले जा राजरानी सीता खातिर। रउआ ओकरा के वस्त्र भेंट करब महारानी। हाँ भैरवी, जब से आयल बाड़ी उहे वस्त्र पहनले बाड़ी मैल हो गई होखी। उ बड़ साम्राज्य के राजरानी है, उनका योग्य सम्मान तो मिले ही के चाही। परंतु महारानी, रउआ जाना तानी महाराज रावण ओकरा पर मोहित भइल बाड़े। वो कभी भी ओकरा के अपन रानी बना ली। रउआ अपन सौतिन के वो हमार सौत बनतिया कि ना, ए बात के हमरा के कोनो चिंता नहीं की। वो ए समय लंका में बाड़ी, अकेले बाड़ी और स्त्री है। ऐसे लंका के महारानी होकते हमारी कर्तव्य बनता कि उनका के वो सम्मान दही जौन एगो विशेष अतिथि के देल जाता। वैसे भी एगो सभ्य गृहिणी घर में आयल स्त्री के आवश्यकता के ध्यान रखेली। परंतु महारानी जी, कुछ मत कहा। ई वस्त्र हमरा ओर से सीता के भेंट कर दा और उनका से इहो कह दिया कि कौनो और वस्तु के आवश्यकता होखे तो निसंकोच हमरा के संदेश भेज दी है, उनकर आवश्यकता पूरा कर देल जाई। जी महारानी। का चाहता नी रउआ? भेंट है सीता खातिर महारानी मंदोदरी की तरफ से। देवी सीता, महारानी मंदोदरी रउआ खातिर नया वस्त्र भेजले बाड़ी, लीही एकरा के धारण करी। महारानी इहो कहली हा कि एगो स्त्री होखे के नाते उनका के अपन मित्र ही समझे और कौनो भी वस्तु के आवश्यकता होखला पे बिना संकोच कह दी। उ हर प्रकार राउर आतिथ्य करिए। ए आतिथ्य खातिर महारानी मंदोदरी के हमार धन्यवाद कही है, परंतु ई वस्त्र वापस ले जा, हमरा एकर आवश्यकता नहीं खे। आवश्यकता कैसे नहीं खे देवी, पुरान वस्त्र मैल हो गई होखी। ना, ई वस्त्र दिव्य है, माता अनुसुईया हमरा के देले बाड़ी, ई कभी मलिन ना होखे। और महारानी मंदोदरी से कहिया हमार पति तपस्वी वेश में रहेले, एही से हमरा खातिर ई राशि वस्त्र धारण कइल स्त्री धर्म के अनुकूल नहीं खे। उनका के हमरा ओर से इहो कहिया कि हम उनकर अनिष्ट की कामना ना करी, एही से उनकर भला खातिर कह रहल बानी कि वो अपन पति के समझावस कि वो हमरा के हमार स्वामी के पास वापस भेजवा देस, तो संभव बा हमार दयालु रघुवीर उनका के क्षमा कर देस, अन्यथा हमार वीर पति और देवर के नुकीला बाण से रंका के सर्वनाश निश्चित बा। लक्ष्मण, बार बार हमार मन अपना आप के अपराधी मान रहल बा। अब कुछ ही महीना में वनवास समाप्त हो जाए, परंतु हम सीता के बिन अयोध्या कैसे जाएब? माता लोग पूछी हैं कि उनकर बहू कहां बाड़ी, तो हम का उत्तर देव लक्ष्मण? यदि महाराज जनक मैथिली के बारे में पूछिए तो हम का उत्तर देव? ना ना लक्ष्मण, हम अयोध्या ना जाएब, तू अकेले ही चल जा और भरत के सब कुछ बता दिया। कहे कि सीता के बिना ही राम जीवित नहीं खेरा सकत, सीता राम की आत्मा है, सीता राम के प्राण और राम सीता के प्राण है। यदि ऐसन बा तो प्राण के रक्षा भी
रउआ अपन प्राण हथेली पर रख के करे के चाहिए। लंकेश के अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र नैखे रोक सका, फिर तहारे पल्लू का रोकी। तहार ई मोहक अदा बड़ा मनमोहक बस सीते। अधर्मी, अपन गंदा जीहा पर हमन नाम भी मत लेइह। परंतु तू अपन जीहवा पर हमार नाम ला सकता रुसी दे। तहार नाम हमार जीहा पर आई, परंतु तरह के सांप देवे खातिर, तरह के कोसे खातिर, तहार सर्वनाश करे खातिर। लंकेश के सामर्थ के हनुमान तारा नहीं खे सुंदरी, लंकेश त्रिलोक का विजेता हा, जेकर परिचय तारा नहीं खे। परिचय? परिचय बा रावण, तू कायर हवा, डरपोक हवा तू। सीते, हम तोरा के एक अवसर प्रदान कर, अपन इच्छा से हमार हो जा, अन्यथा तहार परिचय हमार सामर्थ से होकी। ओकरा से पहले ही रघुवीर के ही पत्नी अपन प्राण त्याग दी। ऋषिमुख पर्वत के चोटी की ओर बढ़े खातिर हमने के मार्ग नहीं खेल मिल रहा। मार्ग मिल जाए भैया, हमने शीघ्र ही ऋषिमुख पर्वत के चोटी पे पहुंच के महाराज सुग्रीव से भेंट कर ले, और वो रावण के जानकारी मिलते उकरा पे आक्रमण करके भाभी के छुड़ा ले। अब हम शोक ना कर लक्ष्मण, हमार वनवास के एक ही उद्देश्य होगी सीता के मुक्ति और अधर्मी रावण के विनाश। चला लक्ष्मण, पर्वत के चोटी तक पहुंचे के मार्ग ढूंढ जाओ। जय श्री राम। तहरा काला गेला लक्ष्मण, मां कह के ही पिताजी से वर मांग के हमरा के वनवास भेजनी, सीता के हमरे साथे वन में आवे के हट कैल, और फिर
सीता के हरण। भैया हमने शीघ्र ही भाभी तक पहुंच जाए। लक्ष्मण हर पल हमके सीता के चिंता सतावत रहेला। न जाने वो कौन दशा में हुई है हमार भाई। वो केवल रावरे चिंता में व्याकुल हुई है भैया। वो तो केवल यह आस में जीवित हुई है कि हम उनकरा के शीघ्र अतिशीघ्र खोज लेबा। भैया वो एक वीर आर्य कन्या है। भले ही कितना भी दुख काहे ना आ जाए परंतु कबो विचलित ना हुई है। भगवान करे ऐसा नहीं होके। लक्ष्मण जय श्री राम।